इधर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय की बात करें तो सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित जिले की कई इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बरसात के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां नदी नाले और रणथंबोर के झरने उफान पर हैं, वहीं जिला मुख्यालय का लटिया नाला भी उफान पर है, जिसमें आज एक युवक पानी में बह गया। लटिया नाले में युवक के पानी में बहने की सूचना पर जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशल यादव, एसडीएम अनिल चौधरी समेत एसडीएम और एसडीआरएफ की टीम ठेंगला स्थित लटिया नाले की पुलिया पर पहुंची, जहां एसडीआरएफ की टीम के द्वारा युवक की तलाश में नाले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। रूम के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 से 40 साल है, ये लटिया नाला है, इसमें आगे से बहकर आ रहा है, जिसको हमने काफ़ी आगे जाकर भी सर्च किया है और यहाँ लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। जैसे ही बॉडी दिखेगी हम उसको रिकवर करके स्थानीय प्रशासन को सूचित करेंगे। प्रशासन द्वारा हमको यहाँ लगाया हुआ है। कलेक्टर साहब वगैरह भी दौरे पे थे। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सब पूरा प्रशासन लगा हुआ है। उर्गम क्षेत्र के समस्त निवासियों से मेरा आग्रह है कि इन दिनों में दो तीन दिनों से रुक रुक की बारिश हो रही है, ऐसे समय में हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। कहीं भी कोई आकाशीय बिजली की संभावना हो सकती है, पशुधन की हानि हो सकती है, तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, जल भराव क्षेत्रों से दूर रहना है। इसके अतिरिक्त अपने परिवारजनों को भी इसके लिए जागरूक करना है, आगाह करना है और संस्था प्रधानों से भी निवेदन है कि वे विद्यार्थियों को इसके बारे में जागरूकता प्रदान करें और उनको सावधान करें कि वो जल भराव क्षेत्रों से दूर रहें। इसके अलावा उपकरण क्षेत्र का जितना भी स्टाफ है, फील्ड स्टाफ है, उनको भी अलर्ट रहने के लिए हमने निर्देशित किया है और किसी प्रकार की अनहोनी घटना होने से पूर्व एजेंट तौर पर वो फील्ड में सतर्क रहें और अपने संसाधनों के साथ मुश्किल में। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बजरंग अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बजरंग, अभी वहां पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है? लटिया नाले में ये जो युवक बह गया था, क्या एसडीआरएफ टीम ये जो सर्च ऑपरेशन चला रही थी, युवक बरामद हुआ है? बरसात की अभी स्थिति वहां पर क्या है और सर्च ऑपरेशन की स्थिति अभी क्या है, दोनों बताएं। अगर सवाईमाधोपुर में बारिश की बात की जाए तो पिछले 48 घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने सवाईमाधोपुर को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है और लोगों से जल भराव वाली जगहों और नदी नालों से दूर रहने की अपील भी प्रशासन द्वारा की गई है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से सभी नदी नाले और रणथंबोर के विशेषकर जो झरने हैं उनमें उफान देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय पर बहने वाला लटिया नाला भी पूरी तरीके से उफान पर चल रहा है। लटिया नाले में एक जो युवक है, जो खेरदे का रहने वाला है, खेरदे का गज्जू राजपूत इसका नाम बताया जा रहा है, वो पानी का बहाव देखने के लिए गया था और अनबैलेंस होकर वो नदी जो लटिया नाला है उसके अंदर गिर गया। सेना के साथ ही प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और तमाम कोशिशों के बावजूद अभी 3 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक जो युवक नाले में गिरा था उसका कोई पता नहीं लग पाया है। युवक की तलाश को लेकर एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और लगातार नाले के अंदर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासा दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से अभी तक ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया लेकिन युवक की तलाश को लेकर एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। सवाईमाधोपुर में बारिश होने के साथ ही जो आसपास के जिलों में जो बारिश हो रही है जिसकी वजह से सवाईमाधोपुर भी चंबल और बनास नदी के साथ ही जो बरवड़ा क्षेत्र में गलवा नदी बहती है सभी नदियां विशेष तूफान पर है। चंबल में जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, बनास में जलस्तर बढ़ रहा है, तो चंबल किनारे जो गांव बसे हुए हैं तकरीबन 27 गांव ऐसे हैं जिसमें प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावचेत किया गया है कि कोई भी चंबल के किनारे नहीं जाए क्योंकि धर्मपुरी और खंडार क्षेत्र के जितने भी गांव हैं चंबल में जैसे ही जलस्तर बढ़ता है वैसे ही जो गांव हैं उनके अंदर पानी आने की संभावना रहती है, तो इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा गाँव वालों को सावधान किया गया है और जिला कलेक्टर द्वारा जो गिरदावर जो पटवारी है उनको भी मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत वहां पहुंचा जा सके। तो सवाईमाधोपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है, वर्तमान में बारिश हो रही है जिसके चलते सभी नदी नाले उफान पर है। बजरंग, लटिया नाले का
छोर कहाँ पर खुलता है, कितनी गहराई है इस नाले की, और जब युवक डूब गया तो इसकी जानकारी किसने दी, अभी एसडीआरएफ की कितनी टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, और क्या अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवक कब तक बरामद कर लिया जाएगा? जी, मैं आपको बताऊं कि सवाईमाधोपुर जो शहर है वो पूरी तरीके से चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पहाड़ियों से घिरा होने के साथ ही रणथंभौर का एक क्षेत्र है जिसमें गाड़ाडूब एनीकट बनाया गया है। गाड़ाडूब एनीकट जब फुल हो जाता है उससे जो पानी का बहाव बाहर निकलता है वो लटिया नाले के थ्रू जिला मुख्यालय के बीचों बीच ये लटिया नाला बहता है और गाड़ाडूब एनीकट से शुरू होकर के और सुरवाल डैम तक जाता है। लटिया नाला जब पानी आता है उसके बाद ही सुरवाल डैम भरता है। तो ये लटिया नाला जिला मुख्यालय के गाड़ाडूब एनीकट से और करीब 11 किलोमीटर दूर सुरवाल डैम है वहां तक पहुंचता है। तो ये जो युवक है ये पानी देखने के लिए जिला मुख्यालय के जो बजरिया क्षेत्र है वहां पर राजबाग एक जगह है जहां पर एक पुलिया बनी हुई है, उस पुलिया से खड़ा होकर के पानी देख रहा था। उसी दौरान अनबैलेंस होकर ये नाले में गिर गया। नाले का बहाव काफी तेज होने की वजह से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। हालांकि एसडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई है ताकि युवक को तलाश किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग इस तमाम जानकारी के लिए। तो युवक का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं और अभी तक युवक का कुछ भी पता